सो हेलो टू एवरीवन। आज की वीडियो में ये बताऊंगा सारा प्रोसेस कैसा होता है रशिया में, मतलब जब आप न्यू स्टूडेंट होते हो या ट्रांसफर ले रहे हो तो सारा प्रोसेस क्या होता है, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो क्या क्या रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे क्या जो भी मतलब लीगली प्रोसेस होते हैं वो कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है, कितना दिन लगता है और उसमें मतलब क्या क्या पैसे लगते हैं, तो वो सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो, फर्स्टली जैसे ही आप रशिया एंटर करते हो आपका इमिग्रेशन पे एक इमिग्रेशन कार्ड बनता है जो कि आपके पासपोर्ट में डाल के देते हैं। इमिग्रेशन में उसमें लिखा होता है कि आप कहाँ जा रहे हो और कितने दिन के लिए स्टे, मतलब वीजा, जैसे आपका स्टूडेंट वीजा होगा या टूरिस्ट वीजा होगा उस हिसाब से वीजा आपका एक्सटेंड हो जाता है जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो, वीजा एक्सटेंशन होता है। तो देखो, मे बी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड कर सकता है, सिटी टू सिटी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि रशिया बड़ी कंट्री है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है यहाँ पर, तो वहां के अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। तो अभी जो जहां पर मैं हूँ रोस्तोव में, वहां पर जो रूल एंड रेगुलेशन है मतलब सिमिलर ही होंगे बाकी सिटीज में भी, तो यहाँ का बताता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आया, वहाँ इमिग्रेशन में मुझे एक इमिग्रेशन कार्ड मिला जो कि मैं पासपोर्ट में रख लिया। फिर आते ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा था, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन हो गया हॉस्टल पे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें बस जाना पड़ा, वहां साइन करके देना पड़ा कि हाँ मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें डीन ऑफिस में बुलाया गया। तो ये भी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग ही है, तो अभी आ चुके हैं इधर अपना वीजा एक्सटेंशन करवाने। तो अभी सारी चीजें बताता हूँ कि क्या कैसे होता है क्या नहीं। रशिया का थोड़ा अलग रूल है बाकी यूरोपियन कंट्री यूक्रेन वगैरह से। डीन ऑफिस पे जाके हमारा वहां पर मतलब कुछ साइन वाइन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और वीजा एक्सटेंड हो गया हमारा एक साल के लिए। करते सबसे पहला काम जो होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, इमिग्रेशन में आपसे पूछें आप कहाँ जा रहे हो तो वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। फिर ये सारे ऐसे फोटो स्टेट करवा के, मतलब जो भी आपके स्टैम्प हैं वो सारी चीज़ करवा के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इधर ही हो जाता, वीज़ा एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी में ही। तो ये एक सही चीज़ है कि कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो रशिया में अभी जो रूल है करंटली वो एक साल का वीजा एक्सटेंशन देते हैं, आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। बट ऐसी न्यूज आ रही है कि ऐसा हो जाएगा कि आपका एक डिफरेंट कार्ड बनेगा जो कि आप जब तक यहाँ स्टे करोगे जितना आपका स्टडिंग पीरियड है उतने तक आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज है, बार बार हर साल रिन्यू नहीं करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन का भी कोई चक्कर नहीं होगा कि आप फ्लैट में शिफ्ट होते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज है अगर ये हो जाता है फ्रॉम न्यू ईयर। तो फिर हमने वीजा एक्सटेंशन करवा लिया, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हमारे स्टूडेंट कार्ड बनते हैं और यहाँ का मतलब जो TR बनता है एक साल का, तो एक साल का जैसे कि यूक्रेन में था पूरे 6 साल का एक बार में बनता था, यहाँ पर एक एक साल का बनता है। बट एज आई टोल्ड यू कि मतलब यहाँ पर रूल चेंज होने वाले हैं, तो रूल जब चेंज होंगे तो आपको इन्फॉर्म करूंगा, बट अभी के लिए तो यही है कि एक साल के लिए एक्सटेंड होता है। अब एक साल के लिए हमारे पास तो बस 2 महीने हैं, तो 2 महीने के लिए अभी एक्सटेंड हो रहा है, फिर न्यू ईयर से जो न्यू रूल होगा उसको फॉलो करेंगे। तो यही सारी चीजें थी, प्रोसेस काफी सिंपल है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो ऐसा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं, आपको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, सारा काम यूनिवर्सिटी में ही होता है। तो यही था सारा प्रोसेस और इसके बाद आप क्लास अपनी शुरू कर सकते हैं, बस यही सारा प्रोसेस था। अगर आप एक सही एजेंट एक सही कंपनी की तरफ से आते हो तो ये सारा प्रोसेस है, बाकी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं आपको पता ही है, सो स्टे अवेयर फ्रॉम फ्रॉड्स। क्लासेस वगैरह लगती हैं तो कुछ ऐसा लुक है। तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल सेंटर में है, मतलब थोड़ा सा दूर ही आओगे तो इधर ही सारा कुछ है।